ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत जरूरी है जानना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र पत्रकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चरण वंदन वहां पर दिन भर मोदी 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 होता है, वो यहां पर भी हो, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब इंडियन आईटी एक्ट के रूल्स 2021 के दो क्लॉजेस को मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे किया है, और ये जो रूल्स हैं ये हिंदुस्तान के तमाम न्यायालयों में लंबित हैं, इस पर बहस चल रही है, विचाराधीन है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और थोड़ी सी एक दिक्कत तलब बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लिख लिख कर भेजती है सरकार प्लेटफॉर्म्स को कि फलाना प्लेटफॉर्म बंद कर दो, ढिमकाना बंद कर दो, किसी का हैंडल बंद कर दो, किसी का हैंडल चलने दो। वो खुद अपनी आय का स्रोत नहीं बता पा रहे हैं। अब सीबीडीटी जांच कर रहा है हमारी कंप्लेन पर, तो इस बात पर चिंता है। और चिंता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय शैडो बैनिंग का है, ये विषय सप्रेशन का है, ये विषय रीच खत्म करने का है, ये मोनेटाइजेशन खत्म करने का है। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने का है कि अगर आपने असहज सवाल पूछे तो आपकी आय के साधन पर प्रहार होगा, आपके बोलने पर प्रहार होगा। आप अगर ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पर लिख रहे हैं, आपके पेजेस को, आपके हैंडल्स को बंद कर दिया जाएगा। और ये तब हो रहा है जब प्लेटफॉर्म्स अंडर प्रोटेस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड होने के नाते ये बात आपके सामने करनी विशेष रूप से जरूरी थी। और हम आशा करते हैं कि सरकार समय रहते चेतेगी और लोकतंत्र को जीवित रहने देगी। कितनी हत्या करिएगा लोकतंत्र की, कितना शनै शनै मारिएगा लोकतंत्र को, कितने लोगों को चरण चुंबक बना लीजिएगा। एक है तो आपके पास पूरी फौज चरण चुंबकों की, उसी से खुश रहिए, दूसरी और क्यों बनाने हैं ऐसी चीजें। तो मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है, और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हर उस काम में जहां पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन होता है, जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये एक्शन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे इशू पर लिया जाएगा तो थोड़ा सा चिंता होगी, थोड़े से सवाल उठेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड वो इशू है, आपको याद होगा जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा दो धंधा लो का एक एड निकालना चाहते थे, जब हम आपके साथियों को, मीडिया के साथियों को पैसा देकर न्यूज़पेपर्स में ऐड छपवाना चाह रहे थे, तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये ऐड नहीं छाप सकते क्योंकि आका को नाराज करना उनके बस की बात नहीं थी। तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता बची रहे, मुद्दों पे बात करने वाले लोग बचे रहे, इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को उठाया जाए।